8 and 5. Dear kids, today I am going to explain you GK Chapter 23 Future Kid Quiz. Page number 30. So open your book fast. So let's see page number 30. चैप्टर 23 फ्यूचर किड क्विज. यहाँ पर कुछ क्विज दिए हैं, उसके आंसर आपको बताने हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. विच इज द लार्जेस्ट बोन इन एन एडल्ट बॉडी. किड्स, हमारी बॉडी में, एडल्ट की बॉडी में, जो बड़े लोग हैं उनकी बॉडी में कौन सा बोन जो है वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट बोन होता है. यस, जो थाइस का बोन होता है वो सबसे बड़ा होता है, थाई बोन, जिसको थाई बोन कहा जाता है. THIGH, thigh, BONE, bone, thigh bone. Now second, there are two species of hippopotamus. One is called the common hippo. What is other species called? Kids, आपने hippopotamus देखा है, right? तो उसकी दो जात है, दो जाति के hippo होते हैं. One को हम common hippo ही बोलते हैं, मतलब उसको hippopotamus बोलते हैं. तो जो दूसरी जाति है उसको क्या कहा जाता है? Yes, उसको pygmy hippo कहा जाता है. Pygmy hippo, PYGMY, pygmy, HIPPO, hippo, pygmy hippo. Now third, which is the largest living species of lizard? Kids, आपने अभी लिजार्ड भी देखी है, राइट? तो लिजार्ड की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? आपको पता है कि कौन सी सबसे बड़ी जाति होती है लिजार्ड में, उसका नाम क्या है? Yes, उसका नाम है कॉमोडो ड्रैगन, KOMODO, कॉमोडो, DRAGON, ड्रैगन, कॉमोडो ड्रैगन, जो एक टाइप की लिजार्ड ही है पर वो सबसे बड़ी लिजार्ड है. Now next question is, which disease is caused by a mosquito bite? Kids, अगर आपको mosquito bite करते हैं तो आपको कौन सा disease होगा? Yes, आपको malaria होगा, right? Malaria जैसे disease हमें mosquito की bite से होते हैं. Now next question is, how many stomachs does a cow have? Kids, क्या आपको पता है कि cow के पास कितने stomach होते हैं? Yes, 4 stomach होते हैं. कितने होते हैं? 4 stomach. Now next question is, how many muscles are there in the human body? Human body में कितने muscles होते हैं? Yes, total 650 muscles होते हैं. 650 muscles होते हैं. Now next question is, which part of the human body coordinates the various functions of different organs? Kids, हमारी body में कौन सा ऐसा एक ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है और उनसे काम करवाता है? जैसे ये आईज को देखने का काम करवाता है, मुंह को बोलने का काम करवाता है, ईयर्स को सुनने का काम. तो ऐसा कौन सा मेन जो हमारा पार्ट है बॉडी का, वो कौन सा है जो सारे काम करवाता है? यस, ब्रेन. ब्रेन से ही क्या होता है कि हमारी सारी नर्वस सिस्टम काम करती है और उससे ही हमारी पूरी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स है वो काम करते हैं. Now next question is, to which country is the Kea parrot native to? Kids, Kea parrot जो है वो कौन सी country का है, आपको पता है? Yes, Kea parrot जो है वो भी एक parrot की जाति है जिसको Kea parrot कहा जाता है. तो जो Kea parrot है वो New Zealand से belong करता है. तो answer होगा New Zealand. Now next is, which fossil fuel is a hard black rock? Kids, कौन सा ऐसा फ्यूल है जो हार्ड ब्लैक कलर का होता है, रॉक जैसा? यस, आपने कोल देखा है, मतलब कोलसा जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो वन टाइप ऑफ फ्यूल है, राइट? जिसका पहले के टाइम में ट्रेन्स जो कोलसे से चलती थी, कोल से ट्रेन चलती थी, कोल ट्रेन, राइट, उसमें उसका यूज किया जाता था. अभी भी बहुत सारी फैक्ट्रीज में कोल का यूज होता है, तो इसीलिए कोल जो है वो एक टाइप का फ्यूल है. Now next is, what is the fastest movement of a horse called? Kids, जो fastest movement होता है horse का, जो वो भागता है speed से, उसे क्या कहा जाता है वो movement को? Yes, उसको gallop कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Gallop. Now kids, turn the page, chapter number 24, page number 31, review and assess. लेट्स सी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है. रेटिना इज अ पार्ट ऑफ द डैश. रेटिना कौन से हमारे ऑर्गन का पार्ट है? यस, आई, ईयर और नोज.
तो हमारी आईज का पार्ट होता है रेटिना, तो आपको ए ऑप्शन पर टिक करना है। नाउ सेकंड, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एन एडल्ट बॉडी, एडल्ट की बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, तो 206 बोन्स होते हैं, और मसल्स कितने होते हैं, 650 होते हैं, राइट। तो यहाँ पर बोन्स कितने हैं, 206, तो ए ऑप्शन पर टिक करना है। नाउ थर्ड, अ वुड पेकर बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन डैश, जो वुड पेकर होता है वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाता है, यस वो अपना नेस्ट ट्रीज पर बनाता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, ट्रीज। नाउ नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल इज अ डैश, क्रोकोडाइल क्या है, बर्ड है, एक फार्म एनिमल है जो खेतों में रहता है, या रेप्टाइल है, तो यस क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, राइट, तो जो वाटर में भी रहता है, लैंड पर भी रहता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन, रेप्टाइल। नाउ नेक्स्ट इज डायनासोर्स आर डैश, डायनासोर्स अब क्या हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, डायनासोर्स अभी हमें देखने को मिलते हैं, नो, राइट, तो आंसर इज ए ऑप्शन, एक्सटिंक्ट। नाउ नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली कार्स रन ऑन पेट्रोल विच इज डैश, जो कार्स है जो पेट्रोल से चलती है, उसे जो पेट्रोल से चलने वाले हैं उन्हें अनलीडेड कहा जाता है। पेट्रोल जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है सारे ही व्हीकल्स में, राइट, तो पेट्रोल जो है वो है अनलीडेड। अनलीडेड मीन्स कि पेट्रोल में लीड का यूज नहीं किया जाता है, द फ्यूल कम्स विदाउट लीड कंपाउंड, उसमें लीड नहीं होता है। नाउ किड्स लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वे ऑफ रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इज थ्रू डैश, अगर आपको एयर पॉल्यूशन कम करना है तो सबसे अच्छा कौन सा तरीका है, सो लेट्स सी द ऑप्शन, लिटरिंग मीन्स आप कचरा फैलाओगे, कारपुल, कारपुल का मतलब क्या होता है कि अगर रास्ते में आप जा रहे हो, राइट, तो आपको रास्ते में और कोई भी दिखता है तो उसको भी साथ में आप अपने साथ ले चलो। अभी यहाँ कैसा हो गया है कि लोग अपना खुद का व्हीकल अकेले भी लेकर निकल जाएंगे, कार भी अकेले लेकर निकल जाएंगे, तो कारपुल में कैसा होता है कि अगर आप जा रहे हो रास्ते में आपको कोई भी दिखता है तो उनको भी आप अपने साथ बिठा लो, ताकि उतना फ्यूल जो है वो सेव हो सकता है, राइट। एंड स्मोकिंग, तो स्मोकिंग से तो और भी ज्यादा धुआं फैलेगा, तो सबसे अच्छा अगर आपको एयर पॉल्यूशन कम करना है, रिड्यूस करना है, तो कारपूल इज द बेस्ट वे, तो बी ऑप्शन है, आंसर है कारपूल। नाउ नेक्स्ट इज डैश रीजन्स ऑफन हैव पॉल्यूटेड एयर, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, तो यस जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है सबसे ज्यादा वहां पर पॉल्यूशन होता है, तो आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज विच लिविंग बर्ड्स लेज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एग, कौन सा ऐसा बर्ड है जो सबसे छोटा एग देता है, सबसे छोटा अंडा उसका होता है, तो जो हमिंग बर्ड होता है उसका अंडा जो है वो सबसे छोटा होता है, तो आंसर इज ए ऑप्शन, हमिंग बर्ड। नाउ नेक्स्ट इज विच एनिमल कैन लुक इन टू डिरेक्शन एट द सेम टाइम, कौन सा ऐसा एनिमल है जो एक साथ दोनों ही साइड देख सकता है, दोनों ही डिरेक्शन में देख सकता है, तो जो कैमेलियन है वो दोनों ही तरफ देख सकता है एक साथ, तो आंसर इज कैमेलियन, ए ऑप्शन। नाउ किड्स लेट्स सी चैप्टर नंबर 25 आवर मदरलैंड पेज नंबर 32, वी ऑल लव आर कंट्री, हम सब अपनी कंट्री से प्यार करते हैं ना, राइट, लेट्स डिस्कवर हाउ ग्रेट आर कंट्री ट्रूली इज बाय बीइंग एन एक्टिव रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड फॉलोइंग द लॉज ऑफ आर कंट्री वी कैन शो आर पेट्रियोटिज्म, तो चलिए हम अपनी कंट्री के बारे में जानते हैं और हम कैसे अपने कंट्री के लिए एक एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे, हमारी कंट्री का किस तरह से लोगों का पालन करेंगे, जितने भी नीति नियम है उसका पालन करेंगे और एक अच्छे देशभक्त बनेंगे, राइट। नाउ रीड स्टोरीज टेल्स एंड पेट्रियोटिक लेजेंड्स ऑफ आर कंट्री, यू विल बी अमेज्ड टू नो हाउ करेजियसली एंड ब्रेवली द लीडर्स फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री, दे आर द रियल सुपर हीरोज। किड्स आपको हमारे जितने भी लेजेंड्स रहे हैं, राइट, हमारे जो ग्रेट हीरोज रहे हैं उनके बारे में, मैं पिक्चर के हीरो की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जो गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, मंगल पांडे है, इन सब के बारे में बात कर रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमारी कंट्री के लिए फाइट की, हमारे कंट्री के लिए उन्होंने लड़े और हमारी कंट्री को आजादी दिलवाई, तो ये सारे जो है वो सुपर हीरोज है, तो उनकी स्टोरीज हमें रीड
करनी चाहिए। सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल विद पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति के साथ हमें हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स है उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। तो ये सारे जो फेस्टिवल है वो हमें सेलिब्रेट करने हैं। टॉक अबाउट आर गोल्डन हेरिटेज, हमारे जितने भी हेरिटेज है उनके बारे में हमें बातें करनी है, जितने भी पुराने प्राचीन समय के हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हमें बात करनी है। शो आर पेट्रियोटिज्म बाय डिस्प्लेइंग रिस्पेक्ट टू आर फ्लैग, पेइंग एलिजियंस टू आर फ्लैग एंड नोइंग द नेशनल एंथम। फिर आपको देशभक्ति कैसे दिखानी है, ये अपने तिरंगे झंडे को देशभक्ति दिखानी है, हमें हमारे जो झंडा है हमारा, राइट, हमारा जो तिरंगा है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, और हमारी नेशनल एंथम को भी हमें जानना चाहिए। आप सबको पता है ना नेशनल एंथम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वर्क टुगेदर फॉर द गुड ऑफ आर मदरलैंड, हमारी जो मदरलैंड है उसके लिए हमें काम करना है, सबको साथ में मिलकर अपनी जो मातृभूमि है उनके लिए हमें काम करना है। गिव सपोर्ट टू आर ट्रूप्स एंड देयर फैमिलीज हु हैव बीन सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स, हेल्प देम बाय ऑल मींस। फिर हमारे जितने भी सोल्जर्स है या जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ऐसे लोगों को और उनकी फैमिली को हमें सपोर्ट करना है, राइट। डू चैरिटी, डोनेट एंड हेल्प पीपल इन नीड, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको चैरिटी करो, राइट, उनको दान दो, उन्हें डोनेट करो, उनकी मदद करो। तो इस तरह से हम हमारे मदरलैंड को सर्व कर सकते हैं। Now kids, let's see about स्वच्छ भारत अभियान, a national mission. आप सभी को पता है ये national mission स्वच्छ भारत अभियान के बारे में, right? स्वच्छ भारत अभियान was announced by Prime Minister of India Mr. Narendra Modi on Indian Independence Day and was launched on 2nd October 2014, गांधी जयंती। Yes kids, हमारे जो PM है Prime Minister Narendra Modi, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन, मतलब 15 अगस्त के दिन ये अभियान की घोषणा की थी। और ये जो अभियान है वो लॉन्च कब हुआ, 2nd अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन ये अभियान लॉन्च किया गया। नाउ कीपिंग योर स्कूल क्लीन कैन एक्चुअली हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर बिकॉज there will be fewer distractions and fewer germs. Keeping your school clean also means cleaning up after yourself. Here are some things you can be mindful of. Now kids, सबसे पहले तो अगर हमें हमारे देश को क्लीन करना है, राइट, स्वच्छ भारत बनाना है, तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, हमारी स्कूल से, जहाँ से आप पढ़ाई करते हो, राइट, जहाँ आपको आधा दिन आपका आपके स्कूल में जाता है, तो वो जगह ही क्लीन नहीं होगी तो आप कैसे स्टडी में मन लगा पाओगे, राइट। तो सबसे पहले हम हमारी स्कूल को क्लीन करते हैं, हमारी स्कूल से शुरुआत करते हैं, हमारी स्कूल को बेटर बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से हम हमारी स्कूल को क्लीन रख पाएंगे। स्कूल मेन गेट एंट्रेंस, सबसे पहले तो किसी को भी कोई भी कचरा अपने स्कूल के गेट के पास नहीं डालना है, मतलब आपके हाथ में कुछ भी है, कोई कागज़ का टुकड़ा भी है तो उसको डस्टबिन में जाके डालो, कोई रैपर है तो उसको डस्टबिन में डालो, ऐसा नहीं कि बस स्कूल के बाहर निकले मतलब हमारी जिम्मेदारी पूरी। आपको स्कूल के बाहर निकलने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी है कि अपने भारत को स्वच्छ रखना है, तो आपको डस्टबिन में ही कचरा डालना है। फिर टॉयलेट्स को क्लीन रखना है, राइट। वॉश बेसिन्स फॉर हैंड्स क्लीनिंग, अभी जहाँ पर आप हैंड वॉश करते हो, राइट, वो जगह को भी आपको क्लीन रखना है, वहाँ पर भी कचरा नहीं डालना है। जैसे टैप्स वगैरह है तो उसको भी आपको अच्छे से बंद करना है आफ्टर हैंड वॉश। नाउ ड्रिंकिंग वाटर टैंक, जहाँ से पानी आप पीते हो, राइट, जो हमारा टैंक है वो भी क्लीन होना चाहिए, वो जगह को भी आपको क्लीन रखना है। बिन्स इन स्कूल एंड क्लासरूम्स, फिर हर जगह डस्टबिन होते हैं, राइट, क्लासरूम में भी और हमारी स्कूल में भी, तो वहाँ पर आपको कचरा कहाँ डालना है, ओनली बिन्स में डालना है, इधर उधर नहीं डालना है। एंड स्कूल कैंटीन, हमारी स्कूल कैंटीन भी क्लीन होनी चाहिए, राइट, कहीं पर आपको फूड गिराना नहीं है, वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। नाउ गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू कीप योर स्कूल क्लीन, पीएम मोदी अर्जेस एवरीवन टू स्पेंड 2 hours एवरी वीक टूवर्ड्स क्लीनलीनेस। अभी जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है वो सबसे अर्ज करते हैं कि सब लोग क्या करें कि एवरी वीक सिर्फ आपको 2 घंटे अपनी स्कूल
शरीर को क्लीन करने में और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करने में बिताने हैं। ऑन 2nd अक्टूबर ही हिमसेल्फ वेंट आउट विथ अ ब्रूम एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हिज पिशियस टास्क। तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था कि 2nd अक्टूबर को वो खुद झाड़ू लेकर आए थे और उन्होंने अपना भी कंट्रीब्यूशन अपने देश को साफ करने में लगाया था और उन्होंने क्लीनिंग की थी। लेट्स अस वॉक शोल्डर टू शोल्डर इन आर केस टू क्रिएट अ क्लीन इंडिया। तो चलो कंधे से कंधा मिलाकर हम भी अपने देश को क्लीन करेंगे। सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? तो आपको जो MCQ और जो क्विज थे वो आपको कंप्लीट करने हैं। Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.